नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल किशन बालकनी गार्डन पे। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चंपा के पौधे की केयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मेरा चंपा का पौधा। दोस्तों ये जो पौधा है रोड साइड में आपको मिल जाएगा, आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये पौधा जो है सन लविंग प्लांट है, यानी कि गर्मियों का पौधा है, तो आप इसे ज़रूर लगाइएगा। और बहुत अच्छी जो है सुंदरता, ये बहुत अच्छा सुंदर लगता है पौधा। इसके बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, हरे हरे पत्ते रहते हैं, और इसकी कई वैरायटी आती है, जैसे नाग चंपा, कपूर चंपा, तो ऐसे हमारे इधर तो अलग अलग नामों से जाना जाता है और हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। और जो नाग चंपा रहता है उसका मुंह जैसा, उसके पत्तों का मुंह नाग जैसा रहता है, और एक छोटे पत्तों वाली चंपा आती है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, सभी बेहतरीन रहता है। इसके वाइट कलर के फ्लावर होते हैं और बीच में येलो फ्लावर के बीच में होता है, और बहुत अच्छी सुगंध आती है इसके फूल से। एक बार आप लगा के देखिए, आपका पूरा गार्डन महक जाएगा। और दोस्तों ये पौधा दोस्तों आपको रोड साइड मिल जाएगा, तो आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। इसे आपको जो है, आप इसकी कटिंग फरवरी की 15 फरवरी के बाद और मार्च 15 फरवरी के बाद आप कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद आप इसे नहीं लगाएंगे। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप इसकी कटिंग लगा लीजिए, सैंडी सॉइल बनाइए, उसमें इसकी कटिंग लगा लीजिए। और ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो कटिंग भी चल जाएगी। और बात करें इसके केयर के बारे में, तो दोस्तों इसे आप बहुत आसानी से अपने मेंटेन कर सकते हैं। इसे बस अच्छी सॉइल दे दीजिए, आपको पोरस मिट्टी बनानी है, एकदम भुरभुरी मिट्टी बनानी है, रेत मिला लीजिए थोड़ा, और नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए गार्डन सॉइल, और उसमें थोड़ा कंपोस्ट वगैरह मिला लीजिए, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट सबसे बेस्ट है। फुली डिकम्पोज हो तो चलेगा, नहीं हो तो आप थोड़ा ताज़ा भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेंगे। ये पौधा दोस्तों बहुत ही सुंदर लगता है, इसके पत्ते एकदम हरे हो जाते, तो देख कर ही मन खुश हो जाता है गार्डन में। यदि आप इसे लगाएंगे, आप इसे अपनी बालकनी में भी लगा के रख सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, मतलब धीरे धीरे इसके पत्ते बड़े रहते हैं ना, तो बहुत धीरे धीरे इसके जो है पत्ते निकलते हैं। दोस्तों इसके पत्ता यदि एक बार लग जाए, तो कम से कम एक पत्ता इसका एक महीने तक चल जाता है। जैसे छोटे छोटे प्लांट रहते हैं उनके पत्ते तो झड़ जाते हैं ना 10-15 दिन बाद नए पत्ते, तो इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें थोड़े पत्ते जो है इसके बहुत दिनों तक सर्वाइव कर जाते हैं, और बहुत ही अच्छा पौधा है। और दोस्तों इसके अंदर ना वाइट वाइट कलर का गोंद टाइप का निकलता है, तो आप इसे जब भी लगाए कटिंग से, तो आप इसकी कटिंग काट कर एक दिन के लिए सुखा दें, उसके बाद जाके से आप लगाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर से गोंद गोंद सा लिक्विड टाइप का निकलता है, तो आप इसको ओवर वाटरिंग ना करें, पौधे के अंदर खुद ही वाटर रहता है। जैसे एलोवेरा वगैरह में वाटर रहता है, तो आप उसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपको, मतलब मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। दूसरी बात दोस्तों, इसे सनलाइट पूरी दिखानी है आपको, ये नहीं कि आपको ज़्यादा सनलाइट दिखानी है। मैंने एक बार इसे ज़्यादा सनलाइट पर रख दिया था, इसकी पत्तियाँ जलने लगी थी। इसे मिनिमम यानी कि ज़्यादा नहीं कम, यानी कि 4 से 5 घंटे की धूप, 8 घंटे की धूप नहीं चाहिए, नहीं 3 घंटे की धूप चाहिए, 4 से 5 या फिर 4, आप इसको एक चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों कई लोग कहते हैं हमारे इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, हमारा पौधा तो लंबा हो गया। दोस्तों ये पौधा ही ऐसा है, ये पौधा लंबा हो जाता है, इसकी ज़्यादा स्टेम नहीं निकलती, क्योंकि इसका दोस्तों अपने आप ही थोड़ी बहुत स्टेम निकलते हैं, उसके बड़े बड़े पत्ते रहते हैं। ये पौधा थोड़ा लंबा ही जाता है, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, सेम ऐसा ही रहेगा। और दोस्तों फ्लावरिंग की यदि बात करूँ, तो यदि आप इसको नाइट्रोजन रिच खाद दे रहे हैं बार बार, तो ये फ्लावरिंग देर में करेगा, लेकिन करेगा जरूर। आप इसे हर एक तरह की खाद दे नियमित एक बराबर मात्रा में, जैसे कि NPK आप दे सकते हैं, NPK 10-10-10, यानी कि 10% में नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस 10% हो, पोटेशियम 10% हो, यानी कि हर एक चीज़ की मात्रा निर्धारित हो। या फिर ऑर्गेनिक को लेके यदि आप चलेंगे, तो जैसे आपने एक हफ्ते में एक बार गाय के गोबर दे दिया, अगले हफ्ते आपने दे दिया, जैसे 15 दिन का अंतराल के गैप को भी कर सकते हैं आप, गैप छोड़ के 15 दिन के, हर 15 दिन के बाद एक बार गाय का गोबर दे दिया, एक बार बनाना पील दे दिया, एक बार प्याज के छिकलों का दे दिया, एक बार आलू के छिकलों को लेकर फर्टिलाइजर बना के दे दिया, ऐसा तमाम जो फर्टिलाइजर है ऑर्गेनिक जो घर में हम बना सकते हैं किचन वेस्ट से, उनके पील से, तो आप उन्हें बना के दे सकते हैं। तो फ्लावरिंग होती है, कई बार लेट से में होती है, होती जरूर है। इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, और जो है पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और देखिए ये मैंने इसे थोड़े, जैसा ये पौधा थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, इसको बड़े कंटेनर में लगाइएगा तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों इसकी ना और ब्रांचेस से मैंने इसको कट कर दिया था, मैंने उसकी कटिंग लगाई थी, तो कटिंग मेरी चली नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने भीषण गर्मी में कटिंग लगाई थी, इसलिए मैंने आपके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताया कि आप इस महीने में आपकी कटिंग लगानी है 15 फरवरी के बाद 15 मार्च तक, तो आपकी कटिंग जरूर चल जाएगी, क्योंकि उस समय बाहर का महीना शुरू होता है, तो पौधे में नई वातावरण में नई ज़्यादा गर्मी रहती है, नई ज़्यादा सर्दी रहती है, तो आप जरूर लगा कर देखिए। बहुत आसानी से मेंटेन करने वाला पौधा है, मैंने आपको बताया ही। और इसके पत्तों में दोस्तों डस्ट बैठ जाती है, यानी कि धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो आप अपनी समय समय पर स्प्रे करें, या फिर जो प्लास्टिक की बॉटल रहती है उसमें छेद करके उसे पानी से इसको छिड़काव करें, यानी कि इसके पत्तों को हफ्ते में एक बार धो देंगे, तो बहुत शाइन करेंगे और खूबसूरत लगेगा आपका पौधा। तो आप इसे एक बार उगाइए, और एक पौधा आप कोशिश करें, एक पौधा लाए तो आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे में बना लीजिए,
ताकि आपको दोबारा पौधा नर्सरी से लाना ना पड़े। तो आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं, देखिए बहुत खूबसूरती ये क्रिएट करता है। आप इसे अपनी बालकनी में, टेरिस में, हर जगह अपने ये से रोड साइड अपने गेट के आगे भी आप ग्राउंड वगैरह में भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा, जैसे कि मैंने बताया ये आपको निर्धारित मात्रा में धूप दिखाइए, फर्टिलाइजर दीजिए, पानी का ख्याल रखिए, सर्दियों में ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, सर्दियों में इसका डोरमेंसी टाइम रहता है, सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और एकदम गंजा पौधा हो जाता है। ये नहीं सोचना है आपको मर गया पौधा, पौधा जिंदा रहता है। जैसे ही बाहर के मौसम में 15 फरवरी के बाद ये रीग्रो करना शुरू हो जाता है, तो आप उस समय इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। डोरमेंसी उसे कहते हैं जब पौधा जो है नींद में चले जाता है, सर्दियों में इसकी मिस्टिंग करते रहे, यानी कि इसको पानी का छिड़काव करते रहे। गर्मी में यदि भीषण गर्मी, जून जुलाई की गर्मी है, तो आप इसे पानी से एक दिन में एक बार धो सकते हैं, धुला सकते हैं। इससे जो है दोस्तों ये पत्ते भी साफ सुथरे रहेंगे, पौधा भी हेल्थी रहेगा और तमाम जो इसमें जो रोग लग रहे हैं वो हट जाएंगे। इसमें रोग दोस्तों ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, वैसे मिली बग लगता है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार। सोप, एक चम्मच सोप ले लीजिए, एक चम्मच शैम्पू ले लीजिए, उसको मिलाकर वाटर में स्प्रे कर दीजिए, या फिर नीम ऑयल एक चम्मच ले लीजिए और थोड़ा सोप मिलाकर उसे डिलोट कर लीजिए, उसका दे सकते हैं। आप कोई भी घरेलू उपाय कर सकते हैं, तमाम वो जानकारी यूट्यूब पर अपलोड है या फिर मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।